इसके नीचे आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से ये रास्ता है इधर से, और ये 3 मंजिला किला ये बना हुआ है, आप यहाँ से आपको दिख जाएगा, आप नीचे जाएंगे उधर से ये रास्ता है आप देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुसाफिर ब्लॉग। तो आज आया हूँ मैं मथुरा में कंस टीले के। ये है कंस टीला, यहाँ पे हुआ था कंस का वध, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था यहाँ पे। आइए तो हम चलते हैं ऊपर कंस टीले में, देखते हैं क्या क्या अब से इस बाकी है कंस टीले के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खंडर हो चुका है। अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा बाहर से, तो काफ़ी खंडर दिख रहा है ये। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं इसमें क्या क्या अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं हम ऊपर। तो ये जैसे ही आप कंस टीले में एंटर करोगे तो ये है साइड में, आपको मिलेगा चिंतारण महादेव का दर्शन करने के लिए मंदिर। आइए दर्शन करता हूँ आपको चिंतारण महादेव के। तो देखिए दोस्तों, ये है कंस किले का एंट्री गेट। अभी हमने आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन कराए हैं, अब हम चल रहे हैं कंस किले में अंदर। देखिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आरएसएस वाले भी रह रहे हैं। अभी कंस किले में अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अभी दिखाएंगे हम आपको। बंदर काफ़ी हैं भाई साहब यहाँ पे। ये देखिए, ये है कंस टीला, शुरू हो चुका है। देखिए कंस टीला इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक टीले पे बना हुआ है। देखिए ये है कंस टीले के पुराने अवशेष, जो कि हैं 5,500 वर्ष पुराने द्वापर युग के, देख रहे हो अभी आप, ये उसी टाइम के हैं। वैसे यहाँ पे रिनोवेशन भी कर दिया गया है। देखिए ये सारी जो बाउंड्री हो रही है, ये तो अभी की हाल फिलहाल की नई है बाउंड्री, लेकिन ये जो पत्थर मैंने अभी आपको दिखाया है, ये कंस किले का पुराना पत्थर ही है। दोस्तों ये हम आ चुके हैं कंस टीले के बिल्कुल ऊपर टॉप पे। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये तो रेनोवेशन करके नई बनाई गई है। और जो ये है आपको दिख रहा है, ये है कंस की कचहरी, यहीं पे बैठ के वो सारे फैसले लेता था और अपनी सभा भी यहीं पे लगती थी उसकी, कंस की। और देखिए ये पूरा कंस किले का आंगन है, और नीचे से भी हम आपको दिखाएंगे। बताइए जी, मेरा नाम अशोक कुमार। और आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 5 वर्षों से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो ये टीला कितना पुराना और क्या मतलब इसकी? ये टीला लगभग 5 से 6 हज़ार साल पुराना है, 6,000 वर्ष पुराना है। ये द्वापर का जो अपना कंस थे, कंस का ये किला कहलाता है टीला, भगवान कृष्ण के मामा का जो किला कहलाता है वो यही जगह है। और इसके पास में ही जेल भी है, आगे चलेंगे आप 1 किलोमीटर उधर जेल भी है, और ये पास में यमुना जी भी बह रही हैं। आप इधर आएंगे आप देखेंगे तो ये पास में यमुना जी बह रही हैं। जेल से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के यहाँ से निकले थे, ये रास्ता है इधर यहाँ से, और सामने उधर आप देखेंगे तो वो गोकुल है, गोकुल पड़ेगा। तो वहाँ से जेल से लेकर के भगवान कृष्ण को गोकुल के लिए लेकर के गए हैं। तो और यहाँ पे अनेक बार जो है आक्रांताओं द्वारा आक्रमण हुए हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें उस काल की भी हैं। जीर्णोद्वार कई बार कराया गया, राजा मानसिंह द्वारा कराया गया, कई बार समय समय पर होता रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी उस समय की भी हैं, 5 से 6 हज़ार साल पहले। और ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये उसी काल की हैं, कंस के समय की। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये इधर आप पीछे देखेंगे वो रास्ता है, वो यहाँ से ये रास्ता है, ये यमुना जी इधर से वहाँ आगे गोकुल पड़ेगा, उधर लेके गए थे कृष्ण भगवान जी को। ये इधर कचहरी चलती थी उसकी, कंस की। और रोज़ यहाँ पर अनेक सैलानी आते हैं घूमने के लिए। इसका जो है ज़्यादा फिर भी वो नहीं है चर्चा,
आते तो हैं सैलानी पर्यटक घूमने के लिए, लेकिन कुछ कम है, लेकिन जब आते हैं तो यहाँ जो भी आता है आनंदित होता है और बहुत ज़्यादा जो है ये अब सैलानी ये देखो ये आने शुरू हो गए, प्रारंभ हो गए हैं और पूरे दिन यहाँ पे जो है इसी तरह से आते रहते हैं। ये उसी समय का किला है और यहाँ से पानी की पूर्ति किले में होती थी। ये किला जो है दो तरफ बना हुआ है, एक तो ये सामने से फ्रंट पे है, ये जो है उसका टॉप है, ऊपर है बिल्कुल। इसके नीचे आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से ये रास्ता है इधर से, और ये तीन मंजिला किला ये बना हुआ है, आप यहाँ से आपको दिख जाएगा। आप नीचे जाएंगे उधर से ये रास्ता है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है कंस किले का कुआं जो कि कंस किले की पानी की पूर्ति करता था। देखिए काफ़ी पुराना कुआं है पर पूरा खंडहर हो चुका है। तो ये है कंस महल के अवशेष जो कि अभी थोड़े से ही बाकी हैं, वैसे तो ये किला सारा खंडहर हो चुका है। अभी हम नीचे भी दिखाएंगे अभी आपको, ये थोड़ा सा ही अवशेष बाकी है यहाँ पे कि ये कंस काल के द्वापर युग के ही पत्थर के जो हैं अवशेष बाकी हैं। बाकी ये सारी बाउंड्री तो जो है नई बनवाई गई है काफ़ी साल पहले। और देखिए जमुना जी पहले यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बहती थी, अब देखिए जमुना जी बहुत काफ़ी दूर चली गई हैं किले से। देखिए ये ही है वो जगह जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण को जमुना में टोकरी में लेके गोकुल पहुँचाया था। देखिए उधर की तरफ है गोकुल, तो यहीं से लेके गए थे श्री कृष्ण को उनके पिताजी श्री वासुदेव जी। देखिए ये जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया बता रहा था, ये सारी नई रेनोवेशन की गई है, बाउंड्री सारी नई की गई है। ईंट दिख रही होंगी आपको, ये अभी की ईंट है और जो इसमें किले में लगी हुई हैं वो ज़्यादातर वैसे पत्थर का उपयोग किया गया है इस पूरे किले को बनाने के लिए। और नीचे अभी आपको दिखाएंगे हम, ईंट भी है लगी हुई है तो इसमें वो है ककैया ईंट है उस ज़माने की, उससे बनाया गया है ये सारा पूरा किला। तो राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप लोग? नर्मदापुरम जी, एमपी। एमपी से आए हैं भैया हमारे आज मथुरा ब्रज में घूमने के लिए। तो कैसा लगा हमारा ब्रज आपको घूमने? बहुत अच्छा लगा ब्रज में घूमने। कहाँ कहाँ घूमे हैं आप मथुरा? गोवर्धन की परिक्रमा की। अच्छा। मथुरा में जन्मभूमि जी और लौट कर द्वारकाधीश मंदिर जी। अभी आप गोकुल गए कि नहीं गए? गोकुल गोकुल नहीं गए पिछली। गोकुल अगर आप जाएं तो एक बार जरूर जाना गोकुल। रमन रेती और चिंतारण रमन रेती गए थे। अच्छा रमन रेती गए थे जो कि यहाँ से श्री कृष्ण को लेके गोकुल गए थे यही जमुना जी में से। तो आप वहाँ पे भाग जा देखोगे चौरासी जी जी चौरासी, आपको वहाँ पे चौरासी खम्बे का मंदिर मिलेगा जहाँ पे श्री कृष्ण अपने बचपन में खेले हैं रहे हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा वहाँ पे रमन रेती देखने के लिए और चिंतारण महादेव का मंदिर। आप वहाँ पे पूरे ब्रज में घूम सकते हो। और जन्मभूमि घूम लिया आप? हाँ, जन्मभूमि। अच्छा अच्छा। और द्वारकाधीश भी जा सकते हो आप मथुरा में, द्वारकाधीश का मंदिर भी बहुत अच्छा है। अच्छा तो ठीक है, राधे राधे भैया। ना वो आए, आइए चल रहे हैं हम। अभी आपको कचहरी दिखाएंगे, कचहरी दिखाता हूँ अभी आपको कंस की। यहाँ अभी यहाँ पे स्कूल चल रहा है, देखिए जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्कूल चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्कूल बना दिया गया है। ये है वो कंस की कचहरी और वो है कंस की रानी का महल जो कि पीछे मैंने अभी आपको दिखाया था जहाँ पे कंस की रानी जो है तैयार वैयार होती थी। ये सारा पूरा एरिया ही कंस किले में आता था पहले, अब तो यहाँ पे स्कूल भी बन गया है, लोगों के घर भी बना लिए हैं लोगों ने। देखिए ये है कंस की कचहरी जो भी आज भी खंडहर के रूप में हमें देखने की मिलती है। देखिए ये देखिए बिल्कुल खंडहर हो चुका है ये। एक काफ़ी ऊंचा जो है, जो पहले जो भी स्ट्रक्चर बनता था तो काफ़ी ऊंचा जो है उनको पटाप किया जाता था। अभी आपको दिख रहा होगा छत कितनी काफ़ी ऊंची है इसकी किले की। और ये देखिए काफ़ी गंदगी जो है लोगों ने यहाँ पे फैला रखी है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो है स्कूल चल रहा है अभी, ये देखिए बंद कर रखा है गेट का इसका रास्ता जो है पूरा खंडहर पड़ा हुआ है। और ये जो पत्थर वत्थर आपको दिख रहे हैं उसी ज़माने के हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है उस ज़माने में भी। ये देखिए
भी आपको ऊपर बताया था, ये है तीन पेड़ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप माने जाते हैं। जो है बर का पेड़ है, जो है ब्रह्म जी का स्वरूप माना जाता है इस पेड़ को। ये है पीपल का पेड़, इसको विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। और ये है किसका पेड़ है, ये भी शायद बर का पेड़ है, इसको महेश का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओम नमः शिवाय। देखिए ये तीनों पेड़ों को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग भी बनी हुई है छोटी सी, ये देख रहे हो आप, शिवलिंग भी बनी हुई है यहाँ पे। और जमुना जी बिल्कुल हमारे पास में बह रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे जब मथुरा में जो है बाढ़ आई थी तो जमुना जी यहाँ तक आ चुकी थी, हमारे बिल्कुल पास आ चुकी थी, जैसे कि पहले बहती थी। अब तो फिर भी काफ़ी दूर चली गई हैं। तो आइए और देखते हैं इसमें देखने के लिए क्या है। ये है पीछे की तरफ, देखिए यहाँ पे स्कूल चल रहा है बच्चों का, जो है कचहरी की बैक साइड है ये। तो दोस्तों मैंने आपको कंस किला पूरा दिखा दिया है अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल मुसाफिर ब्लॉग के माध्यम से। तो ये गुप्त रास्ता भी हमने आपको दिखाया था, ये है कंस किला का पीछा का साइड जो भी आपको दिख रही है, ये जमुना जी यहाँ पे बह रही हैं। और हमने आपको पूरी जानकारी अपनी वीडियो में दे दी है, और जो भी जानकारी रह गई है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। पूरे ब्रज के हम दर्शन करा रहे हैं आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।